हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन रोड विद बाबा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश। आज हम हैं चढ़रई चौराहे पे, जो कि लखनऊ इलाहाबाद हाईवे पे पड़ता है और जगतपुर से थोड़ा सा आगे है। चौराहे से राइट मोड़ने के बाद आप देखेंगे तो बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है जमनापुर चौराहा, खरौली और डलमऊ। मतलब कि ये इस रूट पर अगर आप जाएंगे तो ये तीनों पड़ेंगे और हमें जमनापुर चौराहे तक सीधे चलना है। जहाँ तक अपने को चलना है वहाँ तक के बीच में दो क्रॉसिंग पड़ती है, रेलवे क्रॉसिंग, ये पहली है। इस रूट पे लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, शांत रूट है और किसी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि इस रूट पे कई छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, पर हाँ काफ़ी काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। अब अपन आ गए हैं पिलियन सीट पे और आज वेदर काफ़ी सनी सनी सा हो रखा है, पर इतनी तेज़ धूप भी नहीं है कि दिक्कत हो। ये आ गया है जमनापुर चौराहा। इधर राइट में डलमऊ पड़ता है और लेफ्ट में ऊंचाहार, और हमको सीधे चलना है। दूसरी रेलवे क्रॉसिंग भी हमने क्रॉस कर ली है। जैसा कि मैंने बताया था कि जहां हमें जाना है उससे पहले दो रेलवे क्रॉसिंग पड़ेंगी और ये है मेन गेट जहां हमें जाना है। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या नज़ारे हैं। ये है रायबरेली का गोकर्णा घाट, या फिर कह सकते हैं गोकना घाट। इस घाट के बारे में मैंने सुना तो था कि रायबरेली में दो तीन घाट और भी हैं डलमऊ और गंगासो घाट को छोड़ के, पर इनके बारे में इतना पता नहीं था। इस घाट का पूरा नाम महर्षि गोकर्णा घाट है। इस घाट के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं क्योंकि ना ही ये गूगल मैप पे है और ना ही ज़्यादा किसी को इसके बारे में पता है। इसी तरह का एक घाट इसके पास में और भी है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और गंगा में देखिए कितना पानी है यहाँ से लेके लास्ट तक। और उधर कहते हैं कि फतेहपुर गांव है। इधर साइड में देखिए जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है वहाँ पे देह संस्कार हो रहा है। यहाँ आसपास के लोग डेड बॉडीज लेके आते हैं। सो गाइज, इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इस घाट के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। हर हर महादेव। जय गंगा मैया।